बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस चीज़ पर लेक्चर दे रहा हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, और इसका पहला पार्ट आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक, ये पहला पार्ट है। और जो हमारा पहला लेक्चर था, इससे पहला लेक्चर वो था कि कॉन्स्टिट्यूशंस होते क्या हैं, डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ स्टैंड करता है दुनिया में, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में। लेकिन अब हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मेरा ये लेक्चर में काफ़ी पहले लेक्चर में और इस लेक्चर में काफ़ी गैप आ गया है 15-18 दिन का, वो इस वजह से कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर गया हुआ था, अब वापस आया हूँ। तो पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदे आने वाले लेक्चर से भी आप मुस्तफीद हो सके। तो हमारा पहला पार्ट का डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और इंट्रोडक्टरी है पहला पार्ट, और इसका आर्टिकल 1 जो है वो हमें बताता है कि रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। सबसे पहला वर्ड जो है वो रिपब्लिक यूज हुआ है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब है जमहूरी। रिपब्लिक का मतलब है जमहूरी, जमहूरियत। तो पाकिस्तान हमने कहां से लिया कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक कंट्री है, तो ये आर्टिकल 1 से हमने उठाया कि रिपब्लिक कंट्री, पाकिस्तान एक रिपब्लिक कंट्री है। और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड जो है, पहला लफ्ज़ जो है, वो यही डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। और दूसरा इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान शल बी अ फेडरल रिपब्लिक। फेडरल रिपब्लिक होगा, यानी रिपब्लिक का मतलब जमहूरी, और दूसरा आर्टिकल 1 में क्या हुआ उठाया, फेडरल रिपब्लिक। फेडरल का मतलब क्या है? फेडरल का मतलब है ऐसा निज़ाम हुकूमत जो डिवाइडेड होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेट्स, जिसको कभी स्टेट्स कहा गया है और कभी प्रोविंसेस कहा गया है। तो पाकिस्तान एक फेडरल मुल्क है, फेडरल कंट्री है, जिसका मतलब है कि सेंट्रल, फेडरल का मतलब है सेंट्रल मुल्क है, जिसकी पावर्स जो है वो डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड इट्स स्टेट्स, जिनको प्रोविंसेस भी कहा जाता है। अब पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, केपीके और बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब। तो फेडरल रिपब्लिक का मतलब होगा ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसकी पावर्स डिवाइडेड होंगी बिटवीन सेंट्रल, फेडरल और बिटवीन इट्स प्रोविंसेस, या जिनको कभी हम स्टेट्स भी कहते हैं, बिटवीन प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। तो पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगा। तो दूसरा जो लफ्ज इसने इस्तेमाल किया है वो किया है कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगा, जमहूरी मुल्क होगा, जिसकी पावर्स डिवाइडेड है, और इस्लामाबाद इट्स टेरिटरी, ICT इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उससे पहले कराची था, अब इस्लामाबाद है। और ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो होगा वो किसी भी सूबे का हिस्सा, प्रोविंस का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आएगा, फेडरल का हिस्सा होगा, किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं होगा। और पाकिस्तान आर्टिकल 1 बताता है पाकिस्तान एक रिपब्लिक मुल्क होगा, जमहूरी मुल्क होगा, फेडरल होगा, जिसकी पावर्स जो है डिवाइडेड होंगी,
ना सिर्फ 1973 बल्कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1949 जो के रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक भी जो है वो पाकिस्तान एक फेडरल मुल्क होगा, फेडरल रिपब्लिक होगा, जिसकी ऐसा निज़ाम गवर्नमेंट, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसकी पावर्स जो है वो डिवाइडेड होंगी। ये सब के सब जो है वो 1973 में भी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, फेडरल है, 62 में भी, 1956 में भी और 1949 जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी उसके मुताबिक भी पाकिस्तान एक फेडरल मुल्क होगा। और इसी आर्टिकल वन में जो सबसे बड़ी चेंजिंग आई वो 25th अमेंडमेंट में आई थी। 25th अमेंडमेंट में ये हुआ था कि 25th अमेंडमेंट से पहले जो फाटा था वो एक अलग टेरिटरी थी, वो जम नहीं था किसी भी प्रोविंस में, लेकिन 25th अमेंडमेंट में फाटा को जो है वो केपीके में जम कर दिया गया। ये सबसे बड़ी अमेंडमेंट इसमें आई, फाटा को केपीके में जम कर दिया गया 25th अमेंडमेंट के तहत। क्यों जम कर दिया गया? क्योंकि आर्टिकल वन सब आर्टिकल थ्री जो है वो पावर्स देता है गवर्नमेंट को कि वो किसी भी टेरिटरी को पाकिस्तान में शामिल कर सकता है जो उसके अंडर आती है। जैसे आर्टिकल वन सब आर्टिकल थ्री कहता है, मजलसे शूरा पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स आर एरियाज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो यही पावर्स इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ने 25th अमेंडमेंट के तहत फाटा को केपीके में जम कर दिया था। तो ये हमारा जो था आर्टिकल वन था। और आर्टिकल टू, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस्लाम इज अ स्टेट रिलीजन, स्टेट रिलीजन, इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन है। दुनिया में बहुत ही कम ममालिक हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी मजहब को स्टेट का मजहब डिक्लेयर किया हो, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। पाकिस्तान भी उन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जहां पर किसी मजहब को स्टेट का मजहब डिक्लेयर किया गया है। इस्लाम इज अ स्टेट रिलीजन क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर आसर किया गया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टेट रिलीजन बना दिया गया। यही इसी की वजह से जो है वो सदर जो है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, सदर का मुसलमान होना जरूरी है। इसी आर्टिकल की वजह से इस्लाम इज अ स्टेट रिलीजन। और इस आर्टिकल में जो सबसे बड़ी चेंजिंग आई थी वो 1985 में सबसे बड़ी चेंजिंग इस आर्टिकल में आई कि इसमें आर्टिकल 2A का इजाफा कर दिया गया। आर्टिकल 2A क्या है? आर्टिकल 2A डिफाइन करता है प्रीएम्बल को, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोविजंस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसे आपको पता है कि 1949 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई थी जिसके तहत मुल्क चलाया जाता था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास की गई थी जिसके तहत मुल्क चलाया जाता था। और 1985 में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आर्टिकल 2A की सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया था, जिसमें प्रीएम्बल जो था, प्रीएम्बल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था
के प्रीएम्बल कंसिस्ट ऑफ दोज रूल्स दोज प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न्स एनी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। प्रीएम्बल जो है उन रूल्स या उन प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल मुहैया करता है जो किसी भी कानून या कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करते हैं। तो आर्टिकल 2A की सूरत में 1985 में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 की इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया था 1985 में। तो 2A की सूरत में जो है वो अमेंडमेंट की गई थी। आर्टिकल 2 कहता है कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। इसी आर्टिकल की वजह से स्टेट के सदर को प्रेसिडेंट को मुसलमान होना जरूरी है। और आर्टिकल 3 है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ही अहम ये भी आर्टिकल है। आर्टिकल 3 एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इसका मतलब है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि हर किस्म के तासुब, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है तासुब, स्टेट विल एलिमिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कौन करेगा? स्टेट की जिम्मेदारी लगा दी गई कि द स्टेट शल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी स्टेट की जिम्मेदारी लगा दी गई कि वो हर किस्म के तासुब को ख़त्म करेगी मुल्क में, कंट्री में। जैसे हमारे यहाँ है कि कुछ इलाकों में जो है वो लोग जो है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, उनको हर बेसिक राइट जो है वो मयस्सर है, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन का राइट एजुकेशन भी नहीं है, लोगों के पास जो बेसिक राइट्स हैं बिजली गैस वो भी मुहैया नहीं है। तो इस तासुब को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आर्टिकल 3 ने स्टेट की लगा दी कि स्टेट विल एलिमिनेट एनी ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हर किस्म के तासुब को ख़त्म करेगा और यकीनी बनाएगा कि तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो हर किस्म के लोगों में बराबर तकसीम की जाए और किसी को रंग नस्ल या ज़ुबान की बुनियाद पर किसी भी इलाके को जो है वो रंग नस्ल या ज़ुबान की बुनियाद पर उसको कम तर अहमियत ना दी जाए। यह स्टेट की जिम्मेदारी लगा देगी आर्टिकल 3 से कि आर्टिकल 3 के तहत स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर किस्म के एक्सप्लॉयटेशन यानी तासुब को ख़त्म करेगी। और फिर आर्टिकल 4 हमें मुहैया देता है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 4 राइट ऑफ इंडिविजुअल टू डेल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी हर शख्स का जो पाकिस्तानी है चाहे वो कहीं भी रहता है उसका हक है कि उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कानून के मुताबिक डील किया जाए। किसी भी शख्स को आप वो काम करने से स्टेट नहीं रोक सकती जो कानून उसको इजाज़त देता हो वो काम करने का, और किसी भी शख्स को वो काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जिसको करने के लिए कानून उसको मना करता हो, और किसी भी शख्स को आप खुद पकड़ के सज़ा नहीं दे सकते, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसको सज़ा दी जा सकती है। जैसे कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन अगर वो कत्ल जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किया जाए, यानी कि किसी
पर अगर कोई ऐसा केस है जिसकी सजा सजाए मौत है तो पहले उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उस केस को प्रोसीड किया जाए, उस केस को ट्रायल किया जाए, उस शख्स को मुकम्मल उस शख्स को ग्राउंड मुहैया किया जाए कि वो अपना डिफेंस कर सके, उसके बाद अगर साबित होता है तो उसको सजाए मौत दी जा सकती है, अदरवाइज किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट अकॉर्डिंग टू लॉ। हर शख्स का राइट है कि उसे हर किस्म का डिफेंस मुहैया, ऐसा ग्राउंड मुहैया किया जाए कि वो अपना डिफेंस बाखूबी कर सके और अपने डिफेंस के लिए उसको हर किस्म के जो है वो ग्राउंड मुहैया किया जाए और हर किस्म का उसको तहफ़ दिया जाए, क्योंकि किसी को भी आप विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कोई भी सजा नहीं दे सकते। तो हर शख्स का राइट है, कौन राइट ये देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 4 ये राइट देता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसको पकड़ा जाए, अदरवाइज उसको कोई भी किसी भी किस्म की गजन नहीं पहुंचाई जा सकती विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसी तरह आर्टिकल 5 है लॉयलिटी ऑफ स्टेट, लॉयलिटी ऑफ स्टेट। लॉयलिटी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? लॉयलिटी ऑफ स्टेट का मतलब है कि वफादारी, स्टेट के साथ वफादारी करनी है, स्टेट के साथ लॉयल रहना है। और स्टेट, हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि हमें डिफरेंस ही नहीं पता कि स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है, स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान। हम समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, जिस जैसे प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या डिप्टी कमिश्नर है आपके इलाके में या चीफ मिनिस्टर है आपके इलाके में, हम समझते हैं कि वो स्टेट है। नहीं, वो स्टेट नहीं है, वो गवर्नमेंट है। और उनकी रॉन्ग पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी की वजह से हम स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, मुल्क के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, जबकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज पर आप जो है एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन हम उसे एहतजाज करने के बजाय गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, लेकिन स्टेट के खिलाफ हथियार जो है वो नहीं उठाया जा सकता। स्टेट के साथ आप लॉयल रहेंगे और ये इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन है स्टेट के साथ लॉयल रहने का, इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन है, ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। हर सिटीज़न का, हर पाकिस्तानी का, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उसका ये ऑब्लिगेशन है, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल रहे। अब गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से स्टेट के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप उस पर एहतजाज करें, लेकिन आपको स्टेट के साथ लॉयल रहना है। और स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क करें, क्योंकि गवर्नमेंट गलत पॉलिसीज हो सकती हैं लेकिन स्टेट की कभी गलत पॉलिसीज नहीं होती, क्योंकि स्टेट जो है वो एक मुल्क है, हमारा मुल्क है, जिसमें सूबे हैं, जिसमें ICT है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, जिसका प्रेसिडेंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ आप जो है वो इख्तलाफ रख सकते हैं, स्टेट के साथ इख्तलाफ नहीं रख सकते। ये इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन है आपका फ़र्ज़ है, इनवॉयलेबल, जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पर पुट करता है कि आप स्टेट के साथ लॉयल रहेंगे और कभी भी आप स्टेट के खिलाफ नहीं होंगे। गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं, स्टेट के खिलाफ आप लोग नहीं जा सकते।
और अगला वाला हमारा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आर्टिकल है आर्टिकल 6। एक सवाल हमारे जहनों में आता है, क्या कोई ऐसा जुर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मुहैया किया गया हो और उसकी सजा? ये सवाल अगर कोई पूछे आपसे तो अमूमन जवाब गलत ही होते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई जुर्म नहीं, ऐसा जुर्म है और उसको कहते हैं हाई ट्रीजन, आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन का जो जुर्म है वो वाहिद जुर्म है जो अपने सजा के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अवेलेबल है। हाई ट्रीजन का जुर्म कब हाई ट्रीजन होती है? जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट्स करे, सबवर्ट्स करे, सस्पेंड करे, होल्ड इन अबियांस करे। क्या क्या करें? नंबर वन, एब्रोगेट करे। एब्रोगेट का मतलब है कि टोटल खत्म कर देना कॉन्स्टिट्यूशन को, सिरे से ख़त्म कर देना। जैसे एब्रोगेट हुआ था 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हुए थे? ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। लेकिन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आज तक एब्रोगेट नहीं हुआ। अगर ये एब्रोगेट हो जाता तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद ना होता। जनरल ज़ियाउल्लाह का आया या जनरल परवेज मुशर्रफ आया तो इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया था, टोटल सिरे से ख़त्म नहीं किया था। तो इस वजह से जब पहले जो था हाई ट्रीजन में सिर्फ एब्रोगेशन का लफ्ज था कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन शल बी पनिश्ड, लेकिन 2010 में इसमें अमेंडमेंट की गई इस आर्टिकल में। और 2010 में आपको पता है कि जरदारी आसफ अली जरदारी की गवर्नमेंट थी, तो 2010 में इस आर्टिकल को अमेंड किया गया और इसमें लफ्ज़ डाले गए, एब्रोगेट तो पहले ही था, इसमें एक और लफ्ज़ डाला गया सबवर्ट्स। सबवर्ट्स, सबवर्ट्स का मतलब क्या है? सबूताज करना, सबूताज करना, सबवर्ट्स का लफ्ज डाला गया। और सस्पेंड दूसरा लफ्ज डाला गया था, सस्पेंड माना मौतल करना, और डाला गया था होल्ड इन अबियांस। चौथा लफ्ज डाला गया था होल्ड इन अबियांस, होल्ड इन अभियान का मतलब है कि इल्तवा में रखना, इल्तवा में रखना। ये तीन लफ्ज जो है ये 2010 में इस आर्टिकल में डाले गए और इनको इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखा गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इनका रखा गया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि भले ही अमेंड 2010 में हुए हो, लेकिन अगर इनके तहत पीछे माजी में कोई जुर्म किया गया हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट्स किया गया हो, सस्पेंड किया गया हो, या होल्ड इन अभियान किया गया हो, तो वो भी इसी कानून के शिकंजे में आएगा, इसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की वजह से परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया गया। हालांकि परवेज मुशर्रफ ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं किया था, उसने होल्ड इन अभियान से रखा था। तो इसी वजह से जो है वो आसफ जरदारी ने 2010 में ऐलान किया था कि अब हमने मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। तो हाई ट्रीजन, एनी पर्सन, हाई ट्रीजन क्या है? एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स
आर सबवर्ड्स, आर सस्पेंड, आर हिल्ड, आर होल्ड इन अपीयरेंस, आर अटेम्प्ट्स आर कंस्पायर्स टू एब्रोगेट सबवर्ड्स सस्पेंड आर होल्ड इन अपीयरेंस शैल बी पनिश्ड ऑफ शैल बी कमिट हाई ट्रीजन एंड पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। पनिशमेंट क्या है इसकी हाई ट्रीजन की? अब आप समझ गए, चार वर्ड्स हैं, एब्रोगेट करें, टोटल ख़त्म कर दें, जैसे 1956 और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया गया था। सबवर्ट्स करें, सबोताज करें, या सस्पेंड करें, मौतल करें, या होल्ड इन अबियांस करें, इल्तवा में रखें, जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने किया था, वो हाई ट्रीजन का मुजरम करार दिया जाएगा। और हाई ट्रीजन का मुजरम 18th अमेंडमेंट में ये डाले गए थे, तो इनके तहत इसको सस्पेंड किया था ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को, 5 जुलाई 1977 को किसने किया था? ज़ियाउल हक ने किया था, और परवेज मुशर्रफ ने किया था 12 अक्टूबर 1999 सस्पेंड और होल्ड इन अभियान में रखा था। तो 18th अमेंडमेंट के तहत ये भी सबवर्ट्स करे, सस्पेंड करे या होल्ड इन अभियान करे, तो उसकी सजा भी हाई ट्रीजन की सजा होगी। हाई ट्रीजन की सजा क्या होगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ हाई ट्रीजन का जुर्म है, सजा तो इसमें नहीं लिखी हुई। आर्टिकल 6 आप पढ़ें, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स आर सबवर्ट्स आर सस्पेंड आर होल्ड इन अबियांस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स, अगर ये सब वो करे किसके जरिए, फोर्स इस्तेमाल करते हुए, तब आर्टिकल 6 लगेगा। जैसे ज़ियाउल हक ने फोर्स इस्तेमाल करते हुए ये जो है ये सस्पेंड और होल्ड इन अभियान में रखा था, या जनरल परवेज मुशर्रफ ने। लेकिन अगर पार्लियामेंट अपने मैंडेट के जरिए इसमें कोई चेंजिंग करती है तो वो आर्टिकल 6 में नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 6 में है कि फोर्स के जरिए ये सब कुछ किया जाए, फिर आर्टिकल 6 लगेगा। और आर्टिकल 6 में पनिशमेंट नहीं है, मगर आर्टिकल 6(2) कहती है मजलिस शूरा पार्लियामेंट शल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो मजलिस कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि मजलिस शूरा उसकी सजा का तायुन करेगी, यानी मजलिस शूरा पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, बोथ हाउसेज बिकेम टुगेदर आर कॉल्ड मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पार्लियामेंट इसकी सजा का तायन करेगी, तो पार्लियामेंट ने इसकी सजा का तायन किया हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 के तहत। कि कब मजलिस शूरा ने हाई ट्रीजन का जो है वो सजा था का तायन किया? 1973 हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973, इसके तहत डेथ सजा, जो सजा का जो टाइम किया पार्लियामेंट ने वो डेथ या इम्प्राइजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्राइजनमेंट फॉर लाइफ, ये सजाओं का टाइम पार्लियामेंट ने 1973 में किया। और मजीद जो 18th अमेंडमेंट में सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में जो अमेंडमेंट हुई आर्टिकल 6 में, मजीद उसमें जो है वो ये कहा गया कि एनी कोर्ट, जैसे पहले ज़ियाउल हक के मार्शाला को कोर्ट ने जो है वैलिडेट किया था, और परवेज मुशर्रफ के मार्शाला को कोर्ट ने वैलिडेट किया था, लेकिन 2010 में अमेंडमेंट के ज़रिए हर किस्म की कोर्ट को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो,
इनका कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो हाई ट्रीजन में फाइल करे उसे वैलिडेट करने से मना कर दिया गया। यही वो सेक्शन है, यही वो अमेंडमेंट है जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी ने कहा था अब हमने मार्शल का रास्ता रोक दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये था पार्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होगा, इसलिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।